पहुंचे वो हमारे खास बुलेटिन news@thereadreporter में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के जाफराबाद में सोमवार रात 9 बजे फायरिंग की एक घटना में 4 लोग घायल हो गए। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ बदमाश गली के लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद वे फरार हो गए। गली में दहशत का माहौल है तथा घायल हुए 4 लोगों में 2 सगे भाई भी हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी PCR कॉल के माध्यम से प्राप्त हुई थी, इसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस की AATS टीम ने लग्जरी कार चोरी करने वाले गैंग के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए युवक के पास से 2 लग्जरी कार बरामद हुई है। युवक दिल्ली से पंजाब गाड़ियों को पहुंचाने का काम किया करता था। दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के नैव सराय इलाके में एक युवक की दर्दनाक हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मंगलवार को एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। आरोपियों की पहचान देवली गांव के निवासी देवराज और आयुष थापा के रूप में हुई। राजू पार्क के निवासी 23 वर्षीय सचिन की कहा सुनी के मामले में चाकू गोदकर हत्या कर दी। रोहिणी सेक्टर 3 में जयपुर गोल्डन अस्पताल में कैंटीन में LPG सिलेंडर फटने के कारण दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा मॉकड्रिल चलाई गई। इसी दौरान अस्पताल में घायल व्यक्तियों को दूसरे अस्पताल में भिजवाने का प्रबंध किया और यह भी बताया गया कि दमकल केंद्र के 2 वाहन अस्पताल और कैंटीन में लगी हुई आग को बुझाने आए। दिल्ली पुलिस ने लोन ऐप के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह एक मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को बहुत कम ब्याज पर लोन का प्रस्ताव देता था और ऐप के इंस्टॉल होते ही वह लोगों के व्यक्तिगत डाटा तक अपनी पहुँच प्राप्त कर लेता था। DCP प्रशांत ने बताया कि ये फर्जी कंपनियों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे और बैंकों में अकाउंट खुलवाते थे। इन अकाउंट में 350 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी नितिन चीन के एक लोन ऐप में काम कर चुका है, जिसे उससे ऐप की प्रक्रिया के बारे में अच्छी जानकारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूल बीते कुछ वर्षों में कमज़ोर छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक मिशन बुनियाद तैयार किया गया है। यह मिशन बुनियाद कारगर भी साबित हुआ है और इस मिशन बुनियाद के तहत शिक्षकों ने बच्चों को अलग ढंग से ही पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें छात्र पढ़ने में उत्सुक हो रहे हैं और मस्ती से वह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। करकटुमा कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसे शख्स को जमानत पर रिहा किया है, जिसे 2020 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान हिंसक भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि मामले में ज़्यादातर आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में उसकी हिरासत में पूछताछ अब आवश्यकता नहीं है। इसलिए आरोपी को 10,000 के मुचकले व जमानती देने पर रिहा कर दिया गया।